आपकी ताकत से, आपकी ताकत, आपकी उंगली की ताकत से जब आप मुझे कलम देते हैं तो मैं उस कलम से, अगर कोई आगरा में फोन कर ले या कोई आगरा का व्यक्ति यहाँ पे हो, जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारे यहाँ धारवाड़ा के अंदर राज बब्बर जी पधारे थे जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे। हमारे प्रदेश में जो धारवाड़ा एक कस्बा है जहाँ पर 6:30 बजे लाइट काटी गई थी, रीज़न था कि 6:30 बजे इनका प्रोग्राम हमारे यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था 3 दिन पहले। 6:30 बजे से 9:30 बजे तक राज बब्बर जी का प्रोग्राम चला जिसके दौरान बिजली विभाग से बिजली नहीं दी गई और पूरा सेक्टर अंधेरे में रहा, लेकिन तब भी राज बब्बर जी का जो प्रोग्राम है वो सफल रहा और भीड़ वहां पर देखने लायक थी, उमड़ी हुई थी और सभी उनका साथ दे रहे थे। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपको हृदय की गहराई से नमन नमस्कार प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर इस मंच पर हमारे साथ हमारे भाई विधायक चिरंजीव राव जी, आदरणीय इंद्रपाल राव इंद्रपाल जी, भाई हमारे मंजीत तहलदार जी और ज्ञानी भाई, और एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कह सकता हूँ कि इसको प्यार करने वाले कुछ ज़्यादा ही हैं, नज़र न लगे, बाबूलाल लांबा जी। साथियों, मैं कोई बात नहीं कहूंगा। मैं अभी सुन रहा था, माताओं बहनों, मैं सिर्फ आपके लिए बात कह रहा हूं क्योंकि आप सबसे ज्यादा परेशान हैं। बीमारियां हमारे भाइयों को भी, इनको भी होती है, लेकिन परेशानी आपको ज्यादा है। यहां पर जिस तरह का पानी आप लोग पी रहे हैं, काला पानी, मेरे जहां भी क्षेत्र था, अगर कोई आगरा में फोन कर ले या कोई आगरा का व्यक्ति यहाँ पे हो, चिल्ला मत, ये तू कहाँ से है? तू आवागढ़ से? अच्छा, ठहर जा। मेरे साथ में कुछ तकदीर में कुछ अच्छा लिखा हुआ है। मैं आगरा में था तो कंड्यूट से गंगा जल का पानी 1400 करोड़ रुपए क्या वो प्रोजेक्ट लेके आया, पर आगरा के वाटर बॉक्स में पानी डाला। आजकल वो पानी पीने लायक है, पानी पिया जा रहा है जब आगरा में पानी नहीं था। ऐसे ही जब मैं फिरोजाबाद क्षेत्र में गया तो फिरोजाबाद में इस पानी की समस्या थी और झिगड़ा जाल जो एक प्रोजेक्ट था उस नहर से सीधा पानी नहर खुदवा के फिरोजाबाद टूंडला शिकोहाबाद में लेके आया। आज ईश्वर की कृपा से वहाँ के लोग पानी अच्छा पी रहे हैं, गंगा जल पी रहे हैं। साथियों, मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं, मैं करने वाला मेरी कोई औकात नहीं, मैं एक मामूली सा आदमी हूं, लेकिन मैं आपकी ताकत से, आपकी ताकत, आपकी उंगली की ताकत से जब आप मुझे कलम देते हैं तो मैं उस कलम से, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा मंत्री, कोई भी सरकार क्यों ना हो, मैं उसका मुकाबला करता हूं और आपकी ताकत से जब जरूरत पड़ती है तो खड़ा भी हो जाता हूं। और यहां ये आपको वादा करता है राज बब्बर, मेरा पहला काम इस क्षेत्र में होगा कि यहाँ पे धारवाड़ा के अंदर जिस दिन आपने मुझे 4 जून को जब आप सांसद बना के भेजेंगे तो जिस दिन पहला दिन सेशन होगा दस्तखत करने के बाद में, मेरा पहला जो प्रोग्राम, पहला जो मेरा कार्यक्रम होगा वो होगा यहाँ पर धारवाड़ा में पानी पीने का लाने का होगा। ये मैं आपको वचन देके जाता हूँ। तमामलाल जी, मेरी जमानत में यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, मेरे विधायक, ये केवल विधायक नहीं है, ये आने वाले 3 महीने के बाद में ये मंत्री होने वाले हैं और यहाँ प्रदेश की सरकार। आप चिंता मत करो, मैं प्रदेश की सरकार से मंत्री जी को कंधे बिठा के ले जाऊंगा, लेकिन पानी जरूर जाने के आऊंगा। आप निश्चिंत रहें, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, हम अपने साथियों को जो यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सभी लोग यहाँ बसते हैं, काम करने वाले लोग हैं और इन काम करने वालों के सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। चाहे बॉयलर फट जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ कोई आने का नाम नहीं लेता, कोई सुध नहीं लेता। लेकिन मैं आपका अपना हूँ, आपको यकीन रखना, कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं आपके बीच में बसने आया हूं,
मैं यहाँ पर सांसद बन के दिल्ली में सरकारी कोठी में रहने के लिए नहीं आया हूँ, ये आपको वचन देता हूँ। आपके बीच में रहूंगा, आपके बीच में आकर आपकी समस्याओं को समझूंगा, और आपके पास में अच्छे लोग हैं, अच्छे साथी हैं, इन साथियों की मदद लेके हम यहाँ पर विकास भी करेंगे, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, और बाकी मंत्री जी से हम करवा ही लेंगे। राजस्थान से जो पानी तो यहाँ पर सिर्फ यही की भी सवाल नहीं है, ये तो पूरे के पूरे इस तरह की पटौती में जो झील बन रही है, ये गंदे राजस्थान से जो पानी आता है, ये पानी को रुकावट के लिए बात की जा रही है, मैं पानी को पीने की बात कर रहा हूँ, वो भी होगा। और राजस्थान में सरकार किसी की क्यों ना हो, जब तक वो पानी रुकेगा नहीं, राजबब्बर वही बैठने का काम करेगा जहाँ से पानी आता है। या आपको Yeah, buddy.